ऊपर हो गया खड़ा टूट गया गए अटी भाई बच गया गए लागी तो नहीं कांच की बच डाल दिए तब कांच की दिया वो था कांच था गए दादा मेवा सिंह लगी तो नहीं कांच लगे तो नहीं कांच टूट गया गए वो था कांच था गए अटी भाई अटी है भाई बच गया गए लागी तो नहीं लागी तो नहीं कांच लग गया तो नहीं कांच बच गया बच गया बच गया गए देखियो भाई हम कांच की बच डाल दिए तब बहुत बढ़िया जो रसी ऊपर हो गया खड़ा हो जाओ जा वैसे तो देखो स्याही छिंड जे पास हो जे मेज टूट गई लोगों में तंत दिख गया भाई घन घन हमारे साथ है बुजुर्ग और साथियों सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोग पंडित जी आ जाओ इधर आ जाओ कांच टूट गया कांच आज तो हम सब साथी आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं इंडिया गठबंधन के लिए क्योंकि इंडिया गठबंधन ने मुझे और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई वैसे तो गांव के लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह मुझे दिख रहा है केब के मामला कट्टे हो सारे
आ मेरा भी काम जेबे चल लगा, मेरा भी नुकसान बहुत हो रहा है भाई। मैं एक बात कहूं, सुनो, इंडिया गठबंधन ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले हमें एक संदेश दिया है कि हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, आज तक किसी पार्टी ने भी वो काम नहीं किया कि हमारी महिलाओं को हर घर से एक महिला को ₹1,00,000, सुनो ये थारे काम की चीज, ₹1,00,000 फार्म भेजेंगे, फार्म लेके आना जी, वो बांट भी रहे होंगे फार्म, ₹1,00,000 है एक महिला को देंगे। और जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं या मनोहर लाल सरकार और दुष्यंत ताले, वो तो न्यू कंधे मर गए, और कौन सी ताई बोला ताई तेरे क्यों से करांगे, वह काल का मैं तो चक्कर काट दांडू, इंद्रो ताई तो गई मर, मरे बेटे ने 5100 से ऊपर नहीं भेजे। आपके नेता, आपके भाई, आपके साथी बूढ़ा हो रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही हर महिला को, हर बुजुर्ग को, हर बूढ़े को 5-6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन उसी दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन आपके मुख्यमंत्री की ओथ लेंगे। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे थोड़ी सी नोट नोटी थोड़ा ये बेचारी नोट कर दिया ना, तो हम फिर इनका गेट जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर दलित को, बैकवर्ड को, भूमिहीन को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। और आपके जो नौजवान बच्चे हैं जो अब बहुत सुंदर तरीके से नारे लगा रहे थे, हाँ इन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, गोयल साहब आप खड़े अच्छे लगते इधर आओ ना, सीनियर आदमी ये बिठवा हुए, तो भाई पक्की नौकरी देंगे, कौशल रोजगार निगम को बंद करेंगे। जिन भाइयों ने कौशल रोजगार निगम से नौकरी मिली है, आज अतर सिंह जी, उनको हम हटाएंगे नहीं। सबसे बड़ा काम है किसानी का। आप लोग रामायण का, डंडेरी का, इस इलाका सारा बॉर्डर पर बैठे रहा कई महीने, हमने एक फैसला किया है कि हम MSP को कानून का दर्जा देंगे और MSP C2+50% मुनाफा दे करके किसान की फसल का दाम निर्धारित करेंगे। और जब मैं ये बात कहता हूँ, कई BJP के भाई प्रचार करते हैं कि भाई ये तारा राशन बंद कर देंगे, मैं दलित समाज के भाइयों को कहना चाहता हूँ, भाइयों एक बात नोट कर लियो, ये राशन नरेगा ये भाजपा का बनाया हुआ नहीं। 1972 में इस देश में जब बहुत ज़्यादा अनाज की तंगी थी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इस देश में एक अनाज पैदा करने का, अनाज के भंडार भरने का निर्णय लिया था, और उसी दिन से गरीब आदमी को राशन कार्ड की दुकानें खोल करके सस्ता राशन देने का काम किया था। हमारी नेता ने इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए एक एक खून की बूंद से इस देश को सींचा है। उसका बनाया हुआ कानून हम रद्द कर देंगे। हमारे खड़गे साहब दलित समाज से हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, परसों ने कह दिया, बोले 5 किलो पर हुआ हम तो 10 किलो ध्यांगे, एक कुआ में पड़ेंगे BJP वाले। तो भाइयों MSP भी देंगे, गरीब आदमी को राशन भी देंगे, गरीब आदमी को रहने का मकान भी देंगे, भूमिहीन को भी देंगे, बैकवर्ड को भी देंगे, 300 ऋण माफ करेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं सही बात है, बहुत काम करेंगे। मैं तो एक बात कहूं भाई, मैं कई साल के बाद थारे गांव में आया हूं, पहले आया था
तो हमने मेरे ख्याल में मेरे अच्छा नहीं समझे, दूसरा अच्छा समझ लिया, बोर्ड के हूँ नहीं आया और मैं हूँ नहीं आया। और जब पूरे कर दोगे ना, मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस इलाके में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। भावनात्मक वोट डालते हो ना, आज उसी का एक नतीजा है कि आज केंद्र में बैठी पूंजीपतियों की सरकार इस देश के अन्नदाता को मार रही है, मजदूर इस देश का निर्माता है उसको मार रही है, खिलाड़ी इस देश की शान है। किस तरीके से हमारी खिलाड़ी बेटियों का अपमान किया, उनके साथ द्वंद्वता करने का प्रयास किया, किस तरीके से हमारी ओपीएस बहाली कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का काम किया, किस तरीके से हमारी आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्करों को कुचलने का प्रयास किया। अब मैं अंत में कहूँगा कि भाइयों, नरेगा का जब कानून पास हुआ लोकसभा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और मैं उस वक्त भी एमपी था, जब हम इस कानून को पास कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठ करके इस तरह की चर्चाएं उड़ाते थे, ये झूठी बात है, अमेरिका जैसा देश फूड फॉर वर्क देश का तो भारत कहाँ से देगा। लेकिन हमने आपको कानून बनाया, आज ये जो नरेगा है ये देते 357 रुपये, हम देंगे 600 रुपये। फिर तो मौजूद जी ने हर साल में 200 दिन काम देंगे, मेहता नगर देंगे पक्के। बोल भाई नकम मैंने फूकोगे तब क्या यार, तब नाम भी मरवाए दिए तब भी मर। और हैं जो मैं और ठीक है, हम एक कानून बना रहे हैं, हम एक कानून बना रहे हैं, हम इस कोशिश में हैं नरेगा को किसानी के साथ जोड़ा जाए। जिस दिन नरेगा किसानी के साथ जुड़ गई, 24 घंटे 12 महीने काम मिलेगा, किसान को भी फायदा और मजदूर को भी फायदा। जो एक प्राकृति का नियम था ना, किसान और मजदूर का बड़ा भारी साथ था, दोबारा हम कायम करेंगे और बढ़िया करांगे। मैंने देख लिया हमारी ये मातृ शक्ति भी इनका करड़ी होके देखो लुआ में बैठी है, नहीं परिस्थिति देनी उन दिक्कत ही नहीं हमें थी आड़े गांव से दूर। सही बात है भाई, आप लोगों का भी मन है वोट देने का, अरे मेरा मन भी है तुम्हारा अभिवादन स्वीकार करने का। एक क्या एक काम कर दियो, मैंने आदमपुर में नई चीज सीखी से, वहाँ एक सेकेंड वहाँ पोलिंग होती है 98% और चुनाव आयोग ने हमें इख्तियार दिया 100% का। एक क्या बात, हम ठीक ठाक करके रमान रहे 100% वोट गेट दियो ना, मेरा काम चल जाएगा। एक कोई मुकदमा नहीं, पहला डरा कर दे, बोला ना 95 तो ऊपर ना करियो, नहीं चुनाव योग कहता है जिसकी वोट है वही डालो, सारी डालो। राम राम।